नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। तो नई नई वैकेंसीज के अपडेट्स के लिए और सभी तरह की जॉब्स की जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए नए वीडियोस जो आपके पास आती है तो उसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो लाल बटन आपको नीचे दिख रहा है उसको दबा लें, ताकि सबसे पहले जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी ड्राइवर की जो वैकेंसी होती है उसमें अधिकतर जो ड्राइवर हमारे जो कमेंट करते हैं हमसे कि हम जो है कहीं वाहन लेके जाते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं वो चालान काट देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा या ऐसी जानकारी बताऊंगा जिससे कि पुलिस वाले जो है आपका चालान नहीं काट पाएंगे। और अगर आप जो है ये जानकारी पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप जो है चालान से बच जाएंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि चालान जो होता है वो हर कोई पुलिस वाला आपका नहीं काट सकता है। मेन जो चीज़ होती है कि आप जब भी देखते हैं कि आपका चालान जो है वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस और जो अलग जो पुलिस होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो उनकी वर्दी अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसकी वर्दी जो है वो वाइट कलर की होती है, जिसमें आपकी वाइट कलर की वर्दी होती है, ब्लैक कलर की टोपी होती है। वो जगह जगह आपको चौराहे पे दिख जाती है। उनके पास एक व्हीकल होता है, एक वाहन होता है, ठीक है, वाइट कलर की एक गाड़ी होती है, ठीक है। और दूसरे जो पुलिस वाले होते हैं जिनके पास जो है आप देखेंगे कि वर्दी में होते हैं, जो आम पुलिस जो होती है उस वर्दी में वो आपको दिख जाएंगे। तो इनमें डिफरेंस होता है कि जो आम पुलिस होती है वो आपके चालान काटती है, जो कि उनको अधिकार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पुलिस वालों से बहस करना आनी पड़ेगी। आपको ये अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी कि आप बहस कर सकें पुलिस वालों से, क्योंकि जब तक आप बहस नहीं करेंगे तब तक आप जो इस चालान से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि पुलिस वाले जो है वो चालान काटते हैं तो किस लिए काटते हैं, एक तो आपकी या तो हेलमेट नहीं होता है या आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, गाड़ी का कागज़ नहीं होते, तो दूसरी जो चीज़ें होती है इनके आधार पर आपका चालान काटती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जो पुलिस वाला है उससे आप ये पूछ सकें कि आपको अधिकार है नहीं है चालान काटने का। क्योंकि जो वाहन जो ट्रैफिक पुलिस होती है जो वाहन का चालान काटती है वो पुलिस की ड्रेस अलग होती है, और वो आपको हर कहीं घूमती हुई दिखेगी, आपको कहीं चौराहे पर दिखेगी या फिर जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस के थाने होते हैं उनके थानों के आसपास दिखेगी। और ये ट्रैफिक पुलिस आपका चालान, आपके कागज़ दस्तावेज, हेलमेट वगैरह, और एक गाड़ी पे तीन से चार अगर युवक बैठे हैं, सवारी बैठी है, तो काटती है। लेकिन जो दूसरे पुलिस वाले होते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको नॉलेज नहीं होता है, और वो आपसे चालान वसूली करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो चालान की जो चालान काटने की जो परमिशन है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को है, आम पुलिस को ये चालान काटने की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको बहस करनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आपको चालान काटने का अधिकार है नहीं है। अगर आप ये पूछ पाएंगे, आप ये जवाब दे पाएंगे पुलिस वालों को, तो हो सकता है आप चालान कटने से बच जाएं। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में होनी होती है, जैसे कि आपको हेलमेट लगाना है, आपको सभी नियमों का पालन करना है, जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं सभी नियमों का पालन करना है। उसके बावजूद अगर आपसे ज़बरदस्ती चालान काटा जाता है, आपसे चालान वसूला जाता है, तो आप इसके खिलाफ़ जो है मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले आम लोगों को धमकाते हैं कि तुम्हारे ऊपर धारा लगा देंगे, तुमको जेल में बंद कर देंगे, तो ये ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के अलावा आपको चालान काटने की किसी को अनुमति नहीं है। और अगर ट्रैफिक पुलिस, अगर आप चालान नहीं दे पाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस का नियम होता है कि वो आपको कोर्ट में पेश करे, जहाँ पर आपको बहुत छोटी सी 60-70 रुपये के चालान पर आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन लोग जो है डर जाते हैं, पुलिस को देख कर घबरा जाते हैं, और उनको मनमाने पैसे जितना वो मांगते हैं उतना दे देते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुलिस से सवाल करना चाहिए कि किस बात का चालान है, कितना चालान है, और बकायदा आपको पर्ची लेनी होगी। क्योंकि आपका जब चालान काटता है तो उसके बदले में पुलिस वाला आपको रसीद देता है। तो जब भी आपका चालान काटे, जब भी ऐसी नौबत आए, तो उससे पहले जब रसीद मांगे और उससे पूछें कि आपको अधिकार है नहीं है चालान काटना, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का रूल होता है, ट्रैफिक पुलिस को अधिकार होता है चालान काटने का, ना कि दूसरी जो लोकल पुलिस होती है उनको। तो ये ध्यान रखें और सभी नियमों का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, ताकि आपका चालान ना कटे। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। और भी नई नई जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।